आई एम संजीव कादियान, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रिटिश इंग्लिश 3873। इट्स अ बिग लेसन टुडे एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द सरप्राइज, प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो एट द एंड एंड दैट टाइम आई विल टेल यू वॉट आर सीक्रेट और सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। माई डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डेली यूजिंग सेंटेंसेज के रिगार्डिंग, ताकि हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स, रीजनल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश बोलना शुरू करें। स्टार्टिंग हमारी एक सेंटेंस से होगी, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू लर्न व्हाट द स्ट्रेटजी अबाउट दिस। यस फ्रेंड्स, पहले स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है, स्ट्रेटजी को सीखना है। आप सीखिए, समझिए कि बच्चा, एक छोटा बच्चा जो, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, कभी भी वो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलता है, ना ही वो कभी भी इंग्लिश या हिंदी के कोई लेटर सीखता है, ना ही कोई ग्रामर रूल सीखता है। बिल्कुल नेचुरल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल वे है ना। नेचुरल वे से आप सीखने वाले माय डियर, किस तरीके से आपको बिना रट्टाफिकेशन, बिना रूल्स के आपको सिखाया जाए। लेकिन क्योंकि अब आप चाइल्ड नहीं हैं, तो आपको सिखाने के लिए स्टार्टिंग करनी होगी एक सेंटेंस से, दो सेंटेंस से, यानी कि एक तरीके से सिखाया जाएगा। लेकिन जो एक बच्चा होता है, बच्चा कभी भी बिना रूल्स के, बिना ग्रामर के ही इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, या किसी भी अदर लैंग्वेज का यूज़ करता है ना। आप कह सकते हैं माय डियर, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न देन एट दैट टाइम ही डजंट नो एनी लैंग्वेज, बट विद द टाइम एंड पीपल अराउंड हिम केम अंडर द मदर टंग इन्फ्लुएंस, ही स्टार्ट्स स्पीकिंग द लैंग्वेज एज अदर्स आर यूजिंग। बच्चा उसी लैंग्वेज का यूज करता है जो अदर्स यूज कर रहे हैं। अगर उसका जन्म ऐसे माहौल में हुआ है जहाँ पर एक पड़ोसी या उसके पेरेंट्स पंजाबी बोलते हैं, तो बच्चा बिना ऐड़ा ओड़ा सीखे ही पंजाबी बोलना शुरू करता है। और अगर बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हुआ है, तो बच्चा हिंदी बोलना शुरू करता है बिना किसी हिंदी ए आ ई स्वर व्यंजन के सीखे हुए। तो सेम वे में आपको भी सीखना है। तो लैंग्वेज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, देर आर मैनी लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद पीपल, बट इंग्लिश इज एसेंशियल एज इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इट इज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस। वी कैन कम्युनिकेट विद दिस लैंग्वेज टू अदर पर्सन फ्रॉम द अदर लाइक रशियन, इंग्लैंड का कोई पर्सन है, या किसी और कंट्री का कोई पर्सन है, हम किसी भी कंट्री के पर्सन से बात कर सकते हैं सिर्फ एक इंग्लिश के हेल्प से। लेकिन अगर आप रशियन सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, तो उसमें सिर्फ आप जापान के लोगों से ही बात करना सीख सकते हैं। सो दिस लैंग्वेज इज अ विंडो इनटू द कल्चर्स, इनटू आप कह सकते हैं कि चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, ईस्टर्न कल्चर हो, या किसी भी कंट्री का अपना कल्चर हो, उसकी एक विंडो है, एक विंडो का काम करती है। इसके ज़रिए आप सीख सकते हैं कि उस लैंग्वेज के ज़रिए बात कर सकते हैं, उस कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उस सामने वाले बात को आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं जो कॉमन नहीं है, तो माय डियर आप उस लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते, उससे कोई हेल्प नहीं ले सकते। सो दिस लैंग्वेज हैज़ बिकम कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस। सो इट्स नेसेसरी फॉर ऑल पीपल, लाइक ही इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस और ही इज स्टडिंग इन अ स्कूल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल डेली सेंटेंस, सिंपली सेंटेंसेस से आपको स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहला है, पेट भर के खा पी लो। मम्मी बच्चे को बोलेगी, बेटा पेट भर के खा लो। यदि बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है, या फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, उससे पहले पेरेंट्स को भी हेल्प करनी है बच्चे की। बच्चे को एक ऐसा सराउंडिंग्स देने की कोशिश करनी है जिससे बच्चा सीखे। तो पेरेंट्स बच्चे को बोलेंगे, बेटा जी भर के खा लो, पेट भर के खा लो। तो शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा, स्टॉपर। बेटा, माय सन, माय डॉटर, प्लीज स्टॉप। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट।
वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था। अगर आप किसी पर्सन को इग्नोर करें और वो भी जानबूझकर, तो आप कहेंगे ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर।